पीपीडी खबर। नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से है। यहाँ स्थानीय अगापे स्कूल में प्रांतीय पदाधिकारी की देखरेख में राज्य कर्मचारी महासंघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें श्री योगेश कुमार को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री विनय मिश्रा को नियुक्त किया गया। महेंद्र सिंह को जिला मंत्री और संगठन मंत्री दिनेश कुमार, राकेश बाबू, राजवंदर सिंह को बनाया गया। इस अवसर पर नगर पालिका परिषद एटा की अध्यक्ष मीरा गांधी एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष राकेश गांधी का स्वागत अभिनंदन किया गया। आइए बात करते हैं नवनियुक्त अध्यक्ष योगेश कुमार जी से। एटा से शिव कुमार पाठक की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीपीडी खबर। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर व लाइक करना ना भूलें। क्या नाम है आपका? योगेश कुमार जी, आप प्रशासनिक अधिकारी नल सिंचाई विभाग में हैं। आज जो अगापे स्कूल में प्रोग्राम हुआ है, उसमें आपको क्या दायित्व मिला है अधिवेशन के अंदर? ऐसा है, मेरे को जो है कर्मचारी महासंघ का मुझे जिला अध्यक्ष चुना गया है। कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी महासंघ का जी जी कमेटी में मैं योगेश कुमार को जिला अध्यक्ष, महेंद्र कुमार प्रजापति को सचिव मंत्री के पद पर, और विनय मिश्रा को उपाध्यक्ष, और दिनेश को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, और जो है राजनंदन सिंह को संगठन मंत्री, राकेश कुमार को संगठन मंत्री नियुक्त किया गया है। जो लखनऊ से बना रही टीम ने मुझे नियुक्त किया है चुनाव में जी। तो इस पद को लेने के बाद जी आपके क्या कार्य बनते हैं? मेरे कार्य केवल दो ही होंगे। कर्मचारी का जहां भी जिस विभाग में शोषण होगा उसका मैं विरोध करूंगा, और जहां तक होगा शासन तक इस चीज को लेके जाऊंगा। ठीक है योगेश भसे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको अध्यक्ष बनने का और हमारे साथ वार्ता करने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर।